वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है ये समझिए, मतलब ये है कि महाशक्तियां एक साथ, रूस अमेरिका के साथ, आर्थिक महाशक्ति के तौर पर खड़ा भारत और भारत के हर फैसले के साथ खड़ी ये महाशक्ति। ये कब संभव है? जब देश में मजबूत सरकार बने, क्योंकि मजबूत सरकार को दुनिया कभी नहीं पूछती, खैर फैसला जनता को करना है। लेकिन जब हम बात मोदी द वर्ल्ड लीडर की कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मोदी के खिलाफ एंड चुनाव के वक्त कैसे इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, कैसे उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी डिवाइडर इन चीफ, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल साजिश। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, देश हित में आपको समझना चाहिए। 2019 में टाइम मैगजीन का ये कवर पेज देखिए। इस कवर पेज पर मोदी की बड़ी सी तस्वीर है, गले में भगवा पट्टा है। कवर पेज के साइड में अंग्रेजी में लिखा है इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत को बांटने वाला मुखिया। अब सवाल यह है कि एंड चुनाव के वक्त टाइम मैगजीन ने मोदी के लिए ये विवादित लाइन क्यों लिखी और क्या किसी के इशारे पर लिखी? जवाब थोड़ी देर में। पहले इस विवादित कवर पेज के सामने आने के बाद देश में विरोधी कैसे हमलावर हो गए ये समझिए। किंतु मोदी बाबू अपना के सम्मान करे ना क्या? আপনি একটা প্রধানমন্ত্রী, 5 বছর ছিলেন দেশে, আমরা ধরুন আমরা সরকারে আসার আগে। দেখিয়ে যে লিখনে ওয়ালা আর্টিকল হ্যায় ও পাকিস্তানি হ্যায়, চাহে ও আমেরিকা চলে যায়, উসকে মন মে তো মোদিজি কো লেকার বহুত আক্রোশ রহতা হি হ্যায়। আমেরিকা কে ইয়া কিসি টাইম ম্যাগজিন কে সার্টিফিকেট কি জরুরত নহি হ্যায়। यानि खेल कुछ और है जिसमें मोदी को बदनाम करने की चाल छिपी है, क्योंकि इसी टाइम मैगजीन ने 2015 में भी कवर पेज पर मोदी को जगह दी थी। उस वक्त लिखा था व्हाई मोदी मैटर्स। ऐसे में शक हो रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है और इस काली दाल का चुनाव से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, जिसके बारे में शायद ही कभी पता चलेगा। हम तो देश का मान सम्मान के लिए काम करते हैं, इतने किसी ने तारीफ किए नहीं की हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। मेरे देश का सम्मान बढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए संतोष का विषय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।